ये मैंने बैग पैकिंग कर ली है, ये देख रहे होंगे आप। इस तरीके से इनके सबकी पैकिंग हो गई है और बहुत सारा गुजिया, नमकीन, लड्डू, बहुत सारी चीज़ें भी बना चुके हैं। अब क्यों बनाए मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए दिल्ली एयरपोर्ट है और रात को अभी 2:30 बज रहे हैं, ढाई तो नहीं, हाँ 2:30 बजने वाले, क्योंकि 2:40 पे तो मेरी फ़्लाइट ही है, तो 2:30 बजने वाले हैं। मैं यहाँ पर बोर्डिंग गेट पर बैठी हुई हूँ, मेरी बेटी सो चुकी है और मैंने सिर्फ अपनी बेटी के साथ ये इंटरनेशनल ट्रिप किया है। अब क्या मुझे दिक्कतें आई है, क्या नहीं आई, कितने आसान से मैं आई हूँ, मैं वो सब मैं आपको बताऊँगी। क्योंकि अगर फ्यूचर में आप अगर कर रहे हैं ऐसे ट्रैवल अपने बच्चों के साथ में और पापा नहीं आए, या फिर उससे साफ कर लो बेटा, है ना, अब पापा नहीं आए या फिर नहीं भी आ सकते हैं, समटाइम अपने आप भी करना चाहिए, इतना तो डिपेंडेंट होना चाहिए। तो इसलिए मतलब मैं थोड़े से टिप्स दूंगी आपको। तो ये देखिए बहुत रात हो रही है और डेफिनेटली अभी दिल्ली में तो ठंडा ही है, क्योंकि फरवरी का फर्स्ट वीक है और मेरी बेटी मेरे गोद में सो चुकी है। हमने काफ़ी स्वेटर वगैरह पहने हुए हैं और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बिल्कुल भी ठंडी नहीं है। तो हम लोग फिर कैसे चेंज करना है, कैसे क्या करना है, मैं आपको सब बताऊँगी कहाँ पर क्या मैनेज किया है मैंने। और फ़ोन मेरे पास में इंटरनेशनल नहीं था सिम, जैसे कि बाहर जाके मैं कैसे कनेक्ट कर पाऊँ, सबको कैसे बताते जाऊँ मैं कहाँ हूँ, क्या क्या है। अब मैं अकेले बैठी हुई हूँ अपनी बेटी को लेकर, मेरी आंखों में भी पूरी नींद भरी हुई है, क्योंकि मेरा चेक इन, सिक्योरिटी सब हो चुका, मैं बोर्डिंग गेट पर हूँ। मेरे पास बहुत सारा लगेज था, वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, और कैबिन लगेज तो मेरे पास अलग था। फाइनली हम फ्लाइट में आ गए, मेरी डॉटर सो चुकी थी। अब मैं अपनी डॉटर को कैसे रखूँगी। ये इथोपियन फ्लाइट है, मेरी 4 फ्लाइट चेंज हुई है जो मैंने अपनी डॉटर को लेकर फ्लाइट चेंज की है। और समू बिल्कुल पूरी नींद में है, लेकिन टैब को देख के थोड़ा सा वो चल रही है कि ठीक है मैं टैब में कुछ देखूंगी, बट मैंने उसको सुला दिया था, क्योंकि रात की अगर फ्लाइट होती है तो वो आपको फ्लाइट में भी बहुत कम्फर्ट फील कराते हैं सोने के लिए। सारी लाइट वाइट बंद कर देंगे, खाना खिलाने के बाद नाश्ता चाय जो भी कराना है वो सब करा देंगे। एक बैग मैंने नीचे रखा हुआ है क्योंकि समीखा के उसमें बहुत सारे कलर, बहुत सारी पेंसिल जो मैंने उसको घर पे कभी नहीं दी थी, सारी सरप्राइज वाली रखी ताकि उसका टाइम इजीली निकल जाए। तो ये देखिए ये 4 कलर की पेन है जो चलता है। और अब सब हम लोग चाय नाश्ता सब कुछ कर चुके हैं, सारी लाइट वाइट बंद कर दी। नीचे का देखो हमारी फ्लाइट उड़ रही है, और ये देखिए नीचे का दिल्ली का व्यू देखिए, इस तरीके से ये व्यू आ रहा है जब हम लोग उड़ने लगे। ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे साथ में बच्चा है, बच्चे को लेके मैं बच्चे पे फोकस कर रही थी, ना कि मैं वीडियो पे कर रही थी। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मेरी वीडियो कम भी बनी तो कोई बात नहीं, बट मेरा बच्चा और मैं कंफर्टेबल होनी चाहिए। तो देखिए हमारी जो बराबर वाली सीट का है वो कोई आया नहीं था, वो खाली थी, तो मैंने समीका को दोनों सीट पर उसको लेटा दिया है। और ये देखिए अभी हम दिल्ली से मतलब चले थे, और देखो दिल्ली बता देती हूँ मैं आपको, दिल्ली यहाँ है और हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं। अभी हम लोग टोंक से भी आगे यानी भीलवाड़ा के आसपास हैं, अभी हम इंडिया में ही और हमें बहुत आगे चलना है। इस मैप में पूरा बता रहे थे कि हमारी फ़्लाइट कहाँ पर है, किस वे पे है, ये सब। और सब फ्लाइट में बिल्कुल पूरा सोता पड़ चुका है, यानी सब सो चुके हैं, और मेरी बेटी भी पूरा इजीली सो रही है, थैंक्स गॉड कि बराबर वाला कोई आया नहीं था, तो इसलिए मेरी बेटी आराम से एज ए स्लीपर बस की तरह सोते हुए आ रही है। सब लोग सोए हुए हैं। और ये देखिए रात को हमें वहाँ पर खाना मिला था, स्पेशली वेज फूड मैंने डाला हुआ था। मेरी डॉटर का मैंने खाना नहीं लिया था बिकॉज ये पूरा गहरी नींद में सो रही थी। मैंने अपना खाना लिया, सॉफ्ट ड्रिंक लिया मैंने, और कुछ इसमें बटर चिपलेट ये सब चीज़ था, कट फ्रूट्स थे, सैलड था, और ये देखिए इसमें सैलड है। और जो स्वीट डिश है ये जो इसमें दी हुई, ये बहुत टेस्टी लगी मुझे, बहुत अच्छी लगी। और जो मैंने अपना ये वेज मील खोला तो मैं तो सरप्राइज रह गई, क्यों, क्योंकि मेरा फेवरेट फूड था यानी राजमा एंड बिरयानी। वाह, और जब मैंने इसको खोला ना मैं इतना खुश हो गई क्योंकि मेरे बिरयानी, मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे फ़्लाइट में बहुत अच्छा फूड मिल पाएगा। इसमें लेमन जूस है, अगर आपको लेमन जूस डालना है, बट मैंने नहीं डाला था। और वाटर ग्लास है, बन है, कुछ कुकीज़ है, ये सब दिया हुआ था, बट ये सारा तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैं इसको खाई हूँ, बहुत खुश होकर खाई हूँ। और ये देखो फ्लाइट में आप देख रहे होंगे सारी लाइट वाइट बंद कर दी, सब सो रहे हैं, बस एयर होस्टेस है जो एक दो किसी किसी को पानी वानी सर्व करना। हम इथोपिया पहुँच चुके हैं, इथोपिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। यहाँ पर भी हम बोर्डिंग गेट पर आ गए हैं क्योंकि नेक्स्ट हमारी फ़्लाइट है लोमी के लिए, और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत सारा प्रोसेस था, इतना आसान नहीं था कि फ़्लाइट से उतर के हम लोग यहाँ बैठ गए, सारा प्रोसेस अलग था। चेक इन 2-2 बार होता है, और फिर लगेज भी था मेरे पास में, जैसे सारा लगेज तो मेरा फाइनल डेस्टिनेशन पर ही पहुँचेगा, बट कुछ लगेज था जैसे हैंड कैबिन बैग होता है वो मेरे पास में था, एक पिट्ठू बैग था, और समीका थी। समीका देखो यहाँ बैठी हुई है, और सुबह का टाइम है,
ये मुझे इथोपिया बहुत अच्छा लग रहा था जो मैं बाहर से ही देख रही थी। अब हम इस फ्लाइट से जाने वाले हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए क्योंकि लोमी के लिए निकलने वाली है। अब हम उस फ्लाइट में भी बैठ चुके हैं और देखिए समू ड्राइंग कर रही है क्योंकि मैंने यहाँ पर भी इसको कुछ सरप्राइज़ वो दिया था, जैसे कलर वलर में रखी हुई थी घर पर। तो ये जैसे सरप्राइज़ मैंने इसके लिए रखा ना, तो इसने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। अगर मैं सेम इसको रिपीट देती कुछ भी तो ये मुझे बहुत परेशान करती। तो इसलिए अगर आप भी अपने बच्चे को ले जा रहे हो तो ज़रूर उनकी छोटी मोटी चीज़ें सरप्राइज़ वाली ज़रूर रखना। हमारे में इसमें बैठते ही हमें ब्रेकफास्ट दिया गया। ये देखिए समू एप्पल जूस पी रही है और मैं ऑरेंज जूस पी रही थी, सम वेज बर्गर एंड ये था कुकीज़ वगैरह। तो हमने इसको खाया और हम थोड़ा सा रिलैक्स किए। फिर उसके बाद में हमारे लिए लंच आने वाला था थोड़ी देर में। फ्लाइट में एक बात तो है, खाने पीने का तो आपको बैक टू बैक इतना मिलने वाला है कि आप ही मना कर दो कि भाई अब मुझे नहीं चाहिए, लेकिन सीरियसली बहुत आता है तो उसमें कोई हैडेक नहीं। लेकिन फिर भी मैं समीका के लिए अलग से बॉक्स लेके चली थी जिसमें कुछ गुजिया थी, नमकीन थी, जो मैं अपने हिसाब से लेके गई थी। यहाँ पर भी मैप दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखो हम लोग इथोपिया से चले हैं और अभी देखो हम कहाँ पर जाना, हमें लोमी है और बहुत सारा बहुत लंबा वे करना है, यानी 7-8 घंटे की आराम से फ्लाइट है। 7-8 घंटे की फ़्लाइट हम पहले कर चुके हैं, 7-8 घंटे की फ़्लाइट ये है, इसके बाद भी हमारी एक फ़्लाइट है, यानी बहुत सारी फ़्लाइट है। और समू यही बोल रही थी, मम्मी मुझे 100 फ्लाइट में बैठना है क्या? और बहुत लंबी फ़्लाइट थी ये, देखिए एक पोर्शन नंबर 1 2 ऐसे करके दिया हुआ था। यहाँ हमारे लिए आ गया है लंच जिसमें पालक की सब्ज़ी थी, ओनली पालक को जस्ट बॉइल्ड करके नमक डाला हुआ था, छोले वाला सैलड था और दाल पालक की सब्ज़ी थी और बन तो ये सबके साथ देते हैं। और जो इसमें डेजर्ट था वो था पाइनएप्पल एंड ऑरेंज को कट करके सिरप में डाला हुआ था, सम कुकीज एंड सम बन। बन एंड कुकीज तो आपको एवरी टाइम एवरी वे मिलने ही वाला। मैं मूवी देख रही थी, चंडीगढ़ के बगरू समथिंग कुछ ऐसे मूवी थी, सॉरी मैं नाम भूल गई हूँ, वो मैं मूवी देख रही थी। हम आ गए हैं अब लोमी, लोमी से हम जाने वाले हैं फिर नेक्स्ट फ्लाइट में। मेरी बहुत सारी फ्लाइट थी, वही मैं बोल रही हूँ कि समीका मुझे यही बोल रही थी कि मम्मी हमें 100 फ्लाइट में बैठना है क्या। और उसके बाद हम लास्ट में शिप में भी बैठे थे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर भी मैं चेक इन बोर्डिंग सब कर चुकी हूँ, बोर्डिंग गेट पे बैठी हुई हूँ फाइनली। और ये प्रोसेस जो सब करना था ये बहुत आसान नहीं था, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस था क्योंकि सूज तक आपको निकालना पड़ता था, चेक करना पड़ता है। अगर आपने हैवी जैकेट पहना हुआ है तो आपको कोई बात नहीं बेटा, वो दुपट्टा रख लो। अगर आपने हैवी जैकेट पहना है तो हैवी जैकेट भी इवन सब कुछ निकाल के आपको चेक इन में डालना पड़ता है, जब सिक्योरिटी होता है, सॉरी चेक इन में नहीं सिक्योरिटी होता है, जब जब आपको सब चीज़ उसमें डालनी पड़ती है। और ये देखिए फिर से हमारी फ़्लाइट उड़ रही है। और मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, जैसे आप अगर सिंगल, जैसे मैं हूँ, मेरे पास इंटरनेशनल या रोमिंग कोई नंबर नहीं था ऐसे, और मुझे कहीं पर भी इन्फॉर्म करना अपने घर वालों को, डेफिनेटली अगर मम्मा और डॉटर ही जा रही है सिर्फ तो उनके लिए वरीड हो जाते। तो आपको वाईफाई फ्री सर्विस मिलती है जो आप वहाँ पर काउंटर पर पूछ के वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से सबको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पहुँच चुके। तो फाइनली हम लोमी से भी आ चुके हैं फ्री टाउन से, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर फ्री टाउन में, यानी अब हम जाएंगे शिप से। और शिप में हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं, मतलब मुझे लगा, मेरे हस्बैंड को भी लगा कि मैं आज तक शिप में नहीं बैठी थी, तो हस्बैंड ने बोला चलो मैं आपको शिप में बिठाता हूँ, शिप से चलते हैं अब आगे। तो हम जा रहे हैं शिप में। तो इस तरीके से हमारा शिप का जो पोर्ट एरिया है जहाँ जहाँ से हमें शिप में बैठना है वो इस तरीके से है। और यहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना लग रहा था मुझे, मतलब जितनी मैं थकी हुई थी ना, इतना मेरा सारी थकान चली गई थी। और अब समीका और लगेज हैंड ओवर कर दिया मैंने अपने हस्बैंड को, मैं फ्री हो गई हूँ क्योंकि मैं समीका के चलते हुए बिल्कुल रेस्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरा मेन फोकस था लगेज पे और समीका पे, क्योंकि लगेज में मेरे कुछ मनी, कुछ अमानी मैंने एक जगह नहीं रखा था, डिवाइड करके रखा हुआ था। और ये ना मुझे बहुत फेवरेट लग रहा था, वाव यार एकदम नेचुरल व्यू कितना प्यारा लग रहा है ना। तो कुछ मनी था, ये सब था, तो मैंने इसलिए सब कुछ हैंडओवर कर दिया था। मैंने समीका भी इवन अपने पापा के पास चली गई थी, और मैं मतलब इतने सारे फ्लाइट्स करके मैं आई हूँ। और एक और चीज़ बता देती हूँ, मतलब जब मैं यहाँ चेक इन करके यहाँ पर फ्लाइट से जब उतरी ना फाइनल डेस्टिनेशन पे, तो यानी 4 to 5 मेम्बर्स ओनली मुझे पिकअप करने के लिए थे, यानी इतनी VVIP वाली फीलिंग्स आ रही थी ना। मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब सम टाइम तो मुझे डर भी लग गया था यार, इतने लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पर। बहुत लंबा प्रोसेस था, जो उन लोगों को देख के इतना लंबा प्रोसेस नहीं था। हाँ जो मैंडेटरी है वो मेरा सारा हुआ था, लेकिन कुछ अननेसेसरी लोग परेशान करते ना, बैग खोलो ओपन करो क्या है ये है वो है फलाना ढिकड़ा, वो सब मेरा हट चुका था। और मैं डायरेक्ट आ रही थी, मतलब इतनी VVIP टाइप की एंट्री थी ना, अगर मेरे साथ कोई वीडियो या कोई ऐसे अलग से बनाने वाला होता ना यार, सुपर मेरी वीडियो बहुत अच्छी बनने वाली थी। बट कोई बात नहीं, अब जो देखो हम शिप में जा रहे हैं, अब देखिए इस तरीके से वे है, हम शिप में जाने वाले। आप सोच रहे होंगे मैं इतना जल्दी क्यों बोल रही हूँ, वीडियो में ना बहुत कुछ भरा हुआ है और बहुत चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई भी नहीं है, है ना। और ये देखिए समीका कितनी खुश हो रही है, यहाँ हमें हल्का सा ठंडा ठंडा जैसा लग रहा था।
और मैंने तो फिर भी जींस पहनी हुई है, लेकिन बेटी ने जैसे मैंने हाफ पहनाया हुआ था तो मैंने फिर एक दुपट्टा उसके ऊपर डाल दिया था, एक छोटा सा स्कार्फ में लेकर चली थी क्योंकि समीका को वॉमिटिंग वगैरह इशू ना हो जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। लेकिन फिर भी क्या है ना, मॉम ना एक्स्ट्रा सोच के ही चलती हैं, तो वही मैं एक्स्ट्रा सोच रही थी, कुछ ऐसा था नहीं। अब हम फाइनली यानी अपने घर पर जाके ही हम आपको, घर मतलब यहाँ पर आके घर पर जाके ही मैं आपको फाइनली बताऊँगी। मैं एक बार इसमें बैठ जाती हूँ क्योंकि मुझे इतनी नींद आ रही थी ना, मुझे लग रहा था ना कोई मुझे खाने के लिए पूछे ना नहाने के लिए पूछे, मुझे सिर्फ एक बेड दे दो, सुनसान एरिया दे दो और एसी चला के रखें ताकि मैं प्रॉपर सो जाऊं। तो समीका थोड़ी देर मोबाइल देखने लगी और ये देखिए सब शिप में बैठ चुके हैं। शिप बहुत अच्छा था लेकिन इवनिंग टाइम हो चुका था तो इसलिए अंदर से इतना क्लियर दिख नहीं रहा था। सब बैठ चुके हैं और ये देखिए हम रूम पे आ गए और शैल ने समीका के लिए इतने अच्छे वो किया हुआ था। मैंने समीका को बेड पे सुला दिया है क्योंकि वो सो गई थी, तो मैंने उसको सुला दिया और ये देखिए इसके लिए इतना सरप्राइज गिफ्ट था, यानी हर तरफ रेड बलून थे और इसके लिए स्पेशली केक था, स्पेशली सम पेंसिल और टेडी बियर ये सब था। तो ये सरप्राइज आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट।